या तो 30,000 रुपए दे के जाओ या दो बाइक यहाँ पे रख के जाओ, नहीं तो किसी को भी नहीं जाने दूंगा। इस छोटी सी एक मिनट ने पूरी यात्रा की, पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी करके रख। बच गए, बिल्कुल मरते मरते बचे। राम राम जी। आज अपनी यात्रा का 126वां दिन है। सुबह के लगभग 7:30 का टाइम हो रखा है। अभी सामान पैक करने लग रहे हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो ये ऐसा कुछ अपना सामान बिखरा हुआ है, ये ऐसा कुछ रूम है। अभी ये ब्लैक टी आ गई है, पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट में पराठा आएगा, खाते हैं और निकलते हैं। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे, बाय बाय। ब्रेकफास्ट यहाँ पे होगा, टेरिस पे होगा, जबरदस्त व्यू है। अभी हम लोग जा रहे हैं संगति वैली। जी हाँ, संगति वैली जो कि दिरांग से मात्र 13 किलोमीटर है, जिसका 30 से 35 मिनट का रास्ता है। रास्ता ठीक ठाक है, ये तो थोड़ा सा लैंडस्लाइड एरिया है, बाकी पहले रास्ता अच्छा था। वेलकम टू संगति। लो जी, संगति वैली में आ चुके हैं। मतलब एक किस्म से वैली है, बढ़िया व्यू मिलेगा यहाँ पर, आप रुक भी सकते हो। अभी दो भाई थे असम से, वे मिले थे, हम इंटर किया था, वे जा रहे थे, तो वे यहाँ पे रुके हैं। 2,000 रुपये लिया है रहना खाना एक दिन का, तो हमें तो और भी सस्ता पड़ गया। दिरंग में बहुत अच्छा था, और ऑन एवरेज आप 1,000 के आसपास मान के ही चलो। हमारा 650 रुपये में हुआ है दिरंग में, जहाँ पर रहना है वन नाइट, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट। आप पहाड़ी इलाके में जाओ ना, चाहे वो सेवन सिस्टर्स हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, या फिर हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, आप होम स्टे प्रेफर करना, वहाँ पर आपको बढ़िया घर का खाना मिलेगा और वहाँ से आप ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हो लोकल की, सब्जी उगाते हैं, क्या फल उगाते हैं, कौन से टाइम पे क्या है, कब बर्फ़ गिरती है, कब कैसा मौसम रहता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वही अगर आप होटल में रहोगे ना, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्या व्यू है मेरे भाई, दुबला सा पतला सा लहरता हुआ रोड है, ऊपर हरियाली दिख रही है देखो, और साइड में खेत ही खेत, खाली जगह है, उस साइड फिर हरियाली, और पास से एक छोटी सी झरने टाइप में नदी बह रही है, गजब। सोचो आप यहाँ रात को रुको, शाम को घूमो, सुबह मॉर्निंग वॉक करो, मजा आएगा भाई। पुल को क्रॉस करेंगे, देखो ये यहाँ पे कैंपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। ये पूरी वैली खाली है, इससे आगे भाई साहब रोड खत्म, दूर दूर तक जो आप देख रहे हो कुछ नहीं है। देखो मतलब बेस्ट टाइम कौन सा होता है यहाँ पे आने के लिए? ठंडा सीजन में जनवरी, और बर्फ गिरती है यहाँ पे? बर्फ तो यहाँ बहुत साल से नहीं आया, पहले तो आता था, पहले आता तब नहीं आता। यहाँ पे कितने घर होंगे टोटल इस बस्ती में, संगति में? संगति में तो 280 घर है। 280 घर, अभी लगभग अभी 300 300 के आसपास होंगे। और आदमी कितने होंगे टोटल? टोटल में बोटलिस में तो 600 है, 600 संगति में, और खासों का अलग है बोटलिस। तो यहाँ पे कोई स्कूल है पढ़ने के लिए? स्कूल है यहाँ में, एक टू क्या बोलते प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है आगे में, क्लास 8 तक है हमें, और इसके आगे फिर क्या बोलते क्लास 10 तक क्या बोलते सरदा मिशन स्कूल है। और यहाँ पे नौकरी वोकरी कुछ, या यहीं पे काम करते हैं बस अभी? हाँ, ये बस्ती में काम करती बैठता है, नौकरी एक मतलब यहाँ में 30-40 आदमी का नौकरी होगा, मतलब गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट? प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी मतलब वही है, क्या बोलता है शिप फार्म है यहाँ में, KBK है, वो सब में थोड़ा थोड़ा नौकरी एक दो आदमी को मिला है, बाकी यहीं पे बस्ती में काम करते हैं। खेती होती है यहाँ पे कुछ? हाँ, खेती तो हमें पूरा होता है। किस किस चीज़ की होती है खेती? हमें धान मकई, और सबसे ज़्यादा तो हमें अभी पहले तो धान और मकई का था, अभी धान मकई ज़्यादा नहीं करता है उसमें, अभी थोड़ा थोड़ा करता है, और ज़्यादा तो टमाटर का खेती होता है। टमाटर ज़्यादा होता है? हाँ, टमाटर और क्या होता है मिर्चा और गोभी। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल रहता, ज़्यादा नहीं रहता? यह में अभी ठंडा का 4 महीना ही होता है ठंडा, दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ से तो गर्म ही आ जाता था। लो जी, बोमडिला पहुंच चुके हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइट थी, दिरांग से थोड़ी दूर चलने के बाद हाइट ही हाइट थी,
अब दोबारा फिर नीचे जा रहे हैं। ये पूरा शहर नीचे बोमडिल्ला जो आप लोगों को दिख रहा है, बढ़िया ठंडा भाई साहब। यहाँ पे भी दिरंग में नहीं थी इतनी, सुबह सुबह तो वहाँ पे भी लग रही थी, लेकिन फिर बीच में गर्मी लग रही थी। जब हम संगत वैली गए ना तो गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी ऊपर आए ना भाई साहब, इतनी ठंड बस पूछो मत। जितने भी डीसी ऑफिस हो गए या और कोई ऑफिस हो गए ना जिसकी टूरिस्ट को जरूरत होती है, सारे आपको मेन रोड पे ही मिल जाएंगे। कहीं आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है कि 100 मीटर 200 मीटर अप्रोच रोड पे जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राम राम जी, बोमडिल्ला पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक प्लेट जो जाते टाइम खाई थी, मतलब पूरी थी और सब्जी थी, उसके बाद एक जलेबी 10 रुपए की और साथ में एक चाय 50 रुपए का खाना खा लिया है। अब थोड़ी देर आगे पेट्रोल पंप मिलेगा क्योंकि रिजर्व में लग गई है भाई, पेट्रोल डलवाते हैं और डायरेक्ट आज नौगांव तक प्लान करते हैं अगर मौसम साफ रहा तो, देखते कहाँ तक। लेकिन मेरा प्लान है नौगांव तक शाम को 5-6 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। बाय। लो जी, पेट्रोल पंप मिल गया है, डलवाते हैं पेट्रोल। कितने रुपए लीटर है? ओए राम, 87 रुपए 42 पैसे। तो टंकी करवा लेंगे यहाँ पे फुल, करते हैं कैमरे को बंद। बाय बाय। बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रखी भाई, बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप कितनी लैंडस्लाइड हो रखी है। ओ भाई देखो ये ओवर पत्थर, देखो क्या भूचाल मचा रखा है। हमारे एक राइडर साथी की बाइक वहां के एक लोकल बंदे की कार से भिड़ गई, जिसमें उस बंदे ने बवाल कर दिया। बोला या तो 30,000 रुपए दे के जाओ या 2 बाइक यहां पे रख के जाओ, नहीं तो किसी को भी नहीं जाने दूंगा। चलो एक बार देखते हैं रियल में हुआ क्या है और फिर कैसे वहां से हम बच के आए। हर जगह के आदमी ना तो अच्छे होते और ना ही बुरे होते, लेकिन हमें बहुत बुरे आदमी मिले भाई। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, लगभग आधा घंटे पहले की बात है, एक गाड़ी वाले ने, जैसा कि आपके सामने एक गाड़ी का नंबर आ रहा है, AR049067 चल रही थी और हमारी बाइक जा रही थी, साइड थोड़ी सी लग गई। वो मुझे नहीं पता हमारे बंदे की गलती या उस बंदे की गलती है, हमारे वाले तो उन्हीं की बता रहे हैं लेकिन वो हमारी बता रहा है। लेकिन उसकी गाड़ी में थोड़ी सी खरोच आई थी, मामूली सी, जिसका वो क्लेम कर सकता था, उठवा सकता था, बाहर से भी करवा सकता था, लेकिन बंदा बोला बाइक यहीं पे रख लूंगा, नहीं तो 30,000 रुपए दो। 30,000 रुपए डिमांड की, और वो तो असम के थे, पास की स्टेट के थे, अगर दूसरी होती तो पता नहीं क्या करते, वहां से जाने नहीं दी। और उनकी गाड़ी गाड़ी में थोड़ी सी खरोच लगी और हमारे 2 बंदे थे जो, उनको चोट लगी, हाथ में भी लगी, थोड़ी पैर में भी लगी है, बैग फटे हुए हैं, बाइक की जो कल्च होती है वो आधी से ज्यादा टूट गई। बंदे को ये नहीं दिख रहा कि इनको चोट लगी है, इतनी दूर से घूमने आए हैं और तेरी थोड़ी सी खरोच आई है। लास्ट में बंदे ने 29,000 रुपए लिए हैं, पूरे 29,000, जैसा कि आप सामने देख रहे हो लेते हुए। बहुत बेकार आदमी, बहुत ज्यादा। लोग इतनी दूर आने के बाद हेल्प करते हैं और ये जबरदस्ती इतने कर रहा है, नहीं तो बंदा इंश्योरेंस करवा सकता था, उसमें 500,000 रुपए मुश्किल से लगते, नहीं तो यहाँ पे पास में कोई दुकान देख लेता, दूर आके वहां पे ठीक करवा लेता, लोकल में करवा लेता, शोरूम देख लेता। और बंदे ने 30,000 रुपए लिए हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। यही होता है जब आप बाइक पे होते हो तो आपको एक एक मिनट की खबर रखनी पड़ती है, एक एक मिनट आपको अच्छे से चलना पड़ता है। कितने रुपए देने पड़े? पूरे लिए 30,000? 29 ले लिया। इस छोटी सी एक मिनट ने पूरी यात्रा की, पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी करके रख दी। इतना खर्च तो इनका वहां पे भी नहीं लगा होगा घूमने में, जितना उन्होंने यहाँ पर इस बंदे को दे दिया, वो भी बिन बात के। सो सैड भाई, सो सैड। ये ऐसे ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो पूरी स्टेट का नाम बदनाम करते हैं, उन्हीं में से ये बंदा। अरे कोई जान कमारी हो, उल्टे बोलते हो, और कुछ किया हो, अब गाड़ी चल रही थोड़ी बहुत तो लगी जाती है। 30,000 रुपए तेरी तो थोड़ी जुबान लगी 30,000 रुपए के, अगले को देख कहाँ से देते हैं कहाँ से नहीं। 30,000 रुपए अगर इस ट्रिप में लगाते ना तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या नहीं, क्या देख लेते, कहाँ घूम लेते, क्या कर लेते। और चोट लगी वो ऊपर से, उसको तो देखा नहीं पैसे की और चोट मार दी, गंदा आदमी। औकात दिखाई देते हैं कुछ लोग अपनी, उनको मतलब नहीं है कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या नहीं। कोई ड्रिंक नहीं कर रखी, कोई ओवर स्पीड नहीं, कुछ नहीं। कुछ लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, खुद क्रेन से तोड़ रहे थे, रास्ता बिल्कुल जाम हो रखा था, 1 घंटे तक बैठे रहे। अभी 1 घंटा बैठने के बाद दोबारा स्टार्ट किया है। बाकी जो यहाँ के रोड है ना, बड़े गंदे मेरे भाई, बड़े गंदे, बिल्कुल ऑफ रोड है। और हमारी प्लेटें ना अच्छी चल रही है ऑफ रोड पे भी, बिना किसी प्रॉब्लम के। भाई लोगों, अभी भी यहाँ से बालुकपोंग 30 किलोमीटर रहता है, तो जिसमें हमें अप्रोक्स 40 से 50 मिनट लग जाएंगे। गाड़ी गया, टक्कर मार दी होती तुम ना? हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, उस साइड लेके आया हुआ था। तो
हाँ मर मर के दोनों मर गए होते, कुछ सेकंड का फर्क है, 2 सेकंड का फर्क है, उड़ा दिया होता थोड़ा सा बचा, बिल्कुल छोटा सा। इनसे पूछेंगे गाड़ी ठीक थी, इनसे पूछना पड़ेगा गाड़ी ठीक गई है। कार गाड़ी उड़ा दिया होता बिल्कुल वहाँ पे कोने पे लेके आ गया। व्हाइट कलर का था शायद, स्विफ्ट थी, स्विफ्ट डिजायर थी। बिल्कुल उस साइड कोने पे ले आया था। चलो ठीक है भाई, बच गए। बिल्कुल मरते मरते बचे, क्योंकि 70 से प्लस मेरी स्पीड थी और उसकी तो और भी ज्यादा थी। कुछ सेकंड का फर्क है ओनली। हे भगवान, दूसरी बार हुआ है नॉर्थ ईस्ट में जब बिल्कुल मरते मरते बचा हूँ। लो जी, वापस पहुंच चुके हैं भालुकपोंग, जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी अरुणाचल प्रदेश की, वहीं पे आ चुके हैं। इतने अरुणाचल प्रदेश में, और जो ये सामने ऊपर दिखा हुआ है इस गेट के बाद, अभी आ गए हम असम में।